नमस्ते दोस्तों। देखिए ये वायरलेस प्रिंटर है, वायरलेस लैपटॉप है और वायरलेस आपका मोबाइल फ़ोन है। मेरे पास एक प्रिंटर है और मेरे पास तीन चार मोबाइल फ़ोन है और उसके बाद एक लैपटॉप है। मैं चाहता हूँ कि सबसे जो है ना बिना तार कनेक्ट की प्रिंट आउट दूँ और इससे प्रिंट आउट हो जाए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे वायरलेस प्रिंटर को कनेक्ट किया जाता है अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, मतलब कि मोबाइल से आप प्रिंट दे सकें, तो पूरे वीडियो को देखिए, आपको गाइड करूंगा वन बाय वन करके और आप पक्का सीख जाएंगे। उसके बाद चैनल में पहली बार आए हुए हैं और कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, मैं कहूँगा प्लीज़ ये लाल बटन दबा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मैं आ चुका हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरा आईडी है जोगेंद्र ज्ञान, मुझे फॉलो करिए। आप उनमें कंप्यूटर से लैपटॉप रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड कुछ सवाल है मुझसे पूछिए, मैं प्रयास करता हूँ हमेशा आपके सवालों का जवाब दूँ और आपको मैं सर्टिफाइड कर दूँ। चलिए लेके शुरुआत करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एचपी कंपनी का प्रिंटर है, एचपी लेजर जेट प्रो MFP M126NW वायरलेस प्रिंटर है, नेटवर्क प्रिंटर है, ठीक है। तो अब लैपटॉप में प्रिंट आउट दूंगा बिना तार कनेक्ट किए, मोबाइल में प्रिंट आउट दूंगा बिना तार कनेक्ट किए, और मतलब घर में जितने मोबाइल होंगे ना सबसे कनेक्ट करूंगा इसको प्रिंट आउट देने के लिए। तो कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करता हूँ, मेरे पास देखिए लगा हुआ है ये एयरटेल कंपनी का राउटर, ठीक है, राउटर लगा हुआ मतलब वाईफाई है। इसमें आईपी आप जानते होंगे, आईपी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक्स आईपी और एक होता है डीएससीपी आईपी। स्टैटिक्स आईपी क्या होता है, फिक्स एक नंबर दिया गया था इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसके अंदर जो लगा हुआ डीएससीपी आईपी है, मतलब सबको आईपी ऑटोमेटिक डिफाइन कर रहा है। थोड़ा टीवी का लेकिन समझ लीजिए बात को, मतलब इस कंप्यूटर इसको बोले तुम्हारा आईपी ये है, किसी राउटर ने बोल दिया कि तुम्हारा आईपी ये है, किसी राउटर ने बोल दिया तुम्हारा आईपी ये है, मतलब जितने भी डिवाइस कनेक्टेड इससे है ना सबको इसने जो है एक एक आईपी असाइन कर दिया है। थोड़ा टीपिकल लेकिन दिमाग लगाए आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास किसी कंपनी का राउटर हो, मेरे पास एयरटेल का है, आपका रिलायंस का हो सकता है, आपका जो कंपनी सर्विस प्रोवाइडर आपको जो है सर्विस देती है वो राउटर दी होंगी, तो उसमें डीएससीपी ऑन होगा। अब सिंपल क्या करना है, देखिए अब इस प्रिंटर को क्या करना है, आपको तार के थ्रू राउटर से कनेक्ट करना सिर्फ है। मान लीजिए प्रिंटर आपका है ना, प्रिंटर को तार के थ्रू राउटर से कनेक्ट करना है, अब ना मोबाइल से कनेक्ट करना है इससे और ना ही लैपटॉप से डायरेक्टली कनेक्ट करना है प्रिंटर को। अब दूसरा लैपटॉप पड़ा घर के अंदर कहीं, मतलब ये लैपटॉप आपको इसमें कोई केबल नहीं कनेक्टेड है, एक ये प्रिंटर ये आपका जो कनेक्टेड है ये आपका चार्जर है और ये आपका एक माउस लगा हुआ है, ठीक है, दो लगा हुआ है। अब इससे मैं प्रिंट आउट दिखाता हूँ आपको, मैं अभी लगा हुआ है जो कोई तार कनेक्टेड नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ से जाता हूँ, पहले एक प्रिंट आउट देते हैं, दिखाते हैं कि कैसे ये प्रिंट आउट करता है। तो हम सिंपल तरीके से जो है एक्सेल खोल लेते हैं, मान लीजिए एक्सेल दिख गया सामने और यहाँ कुछ भी मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कंट्रोल ए करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे हम गए सिंपल तरीके से इसको हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रिंटर इंस्टॉल किया वो बताऊँ कैसे करता है, और ये जाते हैं सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं और देखिए इसको मैं यहाँ से प्रिंट कर लेता हूँ, यहाँ इसको ओके कर देते हैं, बिना तार लगाए अभी आपका प्रिंट आउट कर रहा है, देखिए ठीक है, जो मैंने लिखा प्रिंट कर दिया है। अब मुझे कुछ मोबाइल फोन से प्रिंट करना है, कोई तार कनेक्टेड नहीं कनेक्टेड है, और इसको आप पहले डेमो देख लीजिए फिर आपको बता दूं कैसे कैसे करना है। सिंपल तरीके से मैं इस मोबाइल से अपने लैपटॉप से कंप्यूटर प्रिंट, देखिए डॉक्यूमेंट खोल रखा है मैंने कुछ भी, और यहाँ पर ज़्यादा सिंपल जाता हूँ प्रिंट करने के लिए, और यहाँ प्रिंट पेपर लगा हुआ है और यहाँ पर जाकर के आप सिंपल तरीके से मैंने लिया यहाँ से, अब देखिए प्रिंट ऑप्शन दिया प्रिंट कर देता हूँ। अब देखिए मोबाइल से ये प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब वायरलेसली जो है ये प्रिंटर प्रिंट कर रहा है। अब इसको कैसे सेटिंग करते हैं आपको जानना है तो पूरी वीडियो को लास्ट देखिए आप जान जाएंगे दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं वन वन स्टेप करके, चलिए चलता हूँ आपको स्क्रीन के पास में और दिखाता हूँ आपको मैं कैसे कैसे कनेक्ट करना है। चलिए देखिए प्रिंटर ही, और पहले ऑलरेडी बता रखा मैं कि ये वायरलेस प्रिंटर है, अगर आपको खरीदना है तो एचपी कंपनी का ये लेजर प्रिंटर खरीद सकते हैं। इसका रेट अप्रॉक्स जो है 17,000 रुपीज का है, ऑनलाइन मिल सकता है ऑफलाइन मिल सकता है। मॉडल का नोट कर लीजिए, लेजर जेट प्रो MFP M126NW, ठीक है, मॉडल नंबर ये है। अब इसको करना सिंपल सेटिंग करना है, इसको अपने यहाँ लगा के यहाँ पर मैंने कांटे लगा दिया, प्रिंटर मेरा रेडी हो चुका है, रेडी हो चुका है मतलब। अब देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है इन स्लाइजिंग, लिख के आ रहा है ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन स्लाइजिंग दिख क्या रहा है, ये ऑन हो रहा है, देखिए ग्रीन लाइट जल चुकी है मतलब प्रिंटर रेडी हो चुका है, प्रिंटर दिख क्या रेडी लिख क्या रहा है। अब जो अगर ध्यान देखेंगे आप हैं तो नीचे देखिए, इसके नीचे एक आईपी एड्रेस दिख रहा है, थोड़ा वो है लिखा आईपी एड्रेस दिखा 192.168.1.100, ठीक है दोस्तों। ये कब लिख के आएगा आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेटिंग बॉक्स के ऊपर, यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे,
नेटवर्क सेटअप आ गया है, ओके करेंगे और यहाँ पर जाकर के आप TCP IP क्लिक करके इसको जो है ऑटोमेटिक कर दीजिए। यहाँ पर समझ चुके हैं आप ना, TCP IP कॉन्फ़िग के जाके ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक IP एड्रेस ले लेगा। अब इसको मैं यहाँ से बंद कर देते हैं, बात समझ, दोबारा दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। आपको इस बटन में सेटिंग में क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने बाद में 1, 2, 3, 4 पे जाएंगे तो लिख आएगा सेटअप मेनू नेटवर्क सेटअप, इस पर ओके पे क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करने बाद में वायरलेस मेनू लिख आ रहा है, इसके फिर क्लिक करेंगे इसको और यहाँ लिख आ रहा है नेटवर्क सेटअप TCP IP कॉन्फ़िग, इस पर ओके क्लिक करेंगे और यहाँ ऑटोमेटिक और मैनुअल लिख आ रहा है तो ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दिए। और कुछ सेटिंग नहीं करना आपको है, ठीक है। और उसके बाद आप जो है यहाँ से बैक आ सकते हैं, हम एकदम शुरू में इसके जो है बैक आ चुके हैं। कटिंग कर दीजिए, अब लिख क्या रहा है रेडी, और देखिए ये IP एड्रेस ले लिया है। IP एड्रेस तब नहीं लेगा, अब दिखाता हूँ वो क्या करना पड़ेगा। देखिए ये पीछे प्रिंटर को मोड़ लीजिए, और प्रिंटर को पीछे मोड़ने के बाद में देखिए यहाँ पर दो पोर्ट दिए हुए हैं, एक USB पोर्ट दिया हुआ, मतलब कि डायरेक्ट कंप्यूटर से लैपटॉप कनेक्ट कर सकेंगे USB पोर्ट के माध्यम से, एक दिया है लैन पोर्ट दिया हुआ है। इसको मैं निकाल देता हूँ, स्टार को लैन पोर्ट को निकाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो IP एड्रेस दिखा रहा था ना, वो IP एड्रेस नहीं आ जाएगा, लिख के आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो IP एड्रेस दिखा रहा था 192.168.1.100, अब यहाँ पर लिख के नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरे राउटर के अंदर DHCP ऑन है, तो जब इसको तार को हम लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक जो है IP एड्रेस लिख के चलाएगा। बात समझिए इस बात को, हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ लाइट जल चुका है और यहाँ पर देखिए तो दोबारा मैं मोड़ता हूँ इसको और वेट कर लेते हैं। और यहाँ पर अभी जो है IP एड्रेस जो लिख के आना होता है वो IP एड्रेस लिख के अभी आ जाएगा, सेंस कर रहा है, उसके बाद IP एड्रेस यहाँ पे लिख के आ गया, ठीक है, ये आ चुका है। अब चलिए लेके चलते क्या करना है। जो येलो तार गया हुआ ना मेरा, कहाँ लगाया हुआ मैं उसको हूँ, अब देखिए मेरे पास ये राउटर है ये, ठीक है, ये प्रिंटर से तार गया है वो देख रहे हैं इसको, और यहाँ पर राउटर के अंदर जो है मैंने इसको यहाँ लगा दिया है, ठीक है। इसमें 4 पोर्ट दिए रहते हैं, 1, 2, 3, 4 किसी पोर्ट पर लगा सकते हैं, चारों में से किसी पोर्ट पर लगा देंगे तो ये IP मैं यहाँ लगा हुआ था, मैं इसको यहाँ से मैं उसको यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, किसी पोर्ट पर लगा देता हूँ। जब लगाऊंगा मैं तो यहाँ पे जो है लैन पोर्ट का लाइन जलना स्टार्ट हो गया, लैन वन जलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये जलना स्टार्ट हो चुका, मतलब IP एड्रेस यहाँ पर मेरा ऑन है। बात समझ चुके मेरी बात। अब क्या करना, कुछ कहीं सेटिंग नहीं करना है, देखिए फिर इसको जो है, तो देखिए ये IP एड्रेस यहाँ लिख के आ गया है 192.168.1.100, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें अपने लैपटॉप में आपको लोड करना है तो इसका इंटरनेट से ड्राइवर डाउनलोड कर लीजिए। ड्राइवर डाउनलोड करना इंटरनेट के जो है माध्यम से आप इसको, जैसे नेट मेरा कनेक्टेड है, यहाँ मेरा जो भी राउटर है ये राउटर कनेक्टेड है, अब प्रिंटर ये नेटवर्क पे आ चुका है, अब मोबाइल प्रिंटर से मुझे प्रिंट आउट करना है। कुछ कहीं सेटिंग मोबाइल में नहीं करना है, सिंपल तरीके से मोबाइल में जाना आपको है, अब मोबाइल में कुछ भी जो प्रिंट आउट करना है, क्योंकि मोबाइल ये भी जो है ना AC Wi-Fi से कनेक्टेड है, बात समझ रहे ना, क्योंकि जो राउटर का एक पासवर्ड होगा और पासवर्ड यहाँ डालकर मैंने जो है, देखिए मेरा ये राउटर है, दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में मतलब ये मेरा जो है ये कनेक्टेड, एयरटेल में राउटर दिया हुआ ये कनेक्टेड है, बात समझ में बात को ना, ये कनेक्टेड है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से जो प्रिंट आउट कर देना है मुझे, क्योंकि IP भी लोडेड है। अब यहाँ मैंने अपना जीमेल खोल लिया, मान लीजिए मैंने अपना जीमेल खोल लिया, जीमेल खोलने के बाद में मुझे प्रिंट आउट करना अगर है तो सिंपल तरीके से यहाँ जाते हैं और यहाँ पर जाकर हम इसको प्रिंट कर देते हैं। अब दिखा रहा प्रिंटर, दिखा रहा प्रिंटर आगे लिख के आ गया, अब सिंपल तरीके से इसको हम यहाँ पे देखिए प्रिंटर ये ऑटोमेटिक जो दिख रहा है ना, ये HP LaserJet Pro MP M126 ऑटोमेटिक, इसका IP एड्रेस क्या उठाया हुआ 192.168.1.0.100, इस पर हम सिंपल तरीके से प्रिंट कर देंगे, बात समझे ना। तो वो तार जो लगा वो प्रिंटर में साइड लगाएंगे, एक साइड आउटर में लगाएंगे, लगाने के बाद में IP ले लेगा। अब देखिए प्रिंट आउट में दिया हुआ ऐसे, अब देखिए प्रिंट आउट ये बिना तार के जो है प्रिंट आउट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। जो भी चीज़ें थी प्रिंट आउट करना था प्रिंट आउट से हो चुका है, क्लियर एकदम है। अब मोबाइल से प्रिंट करना रहेगा तो आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब चलते दिखाते हैं लैपटॉप के ऊपर। अब आपको लैपटॉप पे अगर इसको इंस्टॉल करना है तो सिंपल तरीके से क्या करना है आपको पड़ेगा, आप गूगल पे जाइए, मतलब या तो CD मिली साथ प्रिंटर की मिली हुई, प्रिंटर की CD मिली नहीं मिला तो मॉडल में नोट आपका लेजर प्रिंटर ये MFP MFQ करके इसको आप गूगल पर जा करके इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। प्रिंटर ड्राइवर को जो भी विंडो 7 लोडेड है, विंडो 8 लोड, विंडो 10 लोडेड, जो भी लोडेड है उसको आप जो है ड्राइवर डाउनलोड कर, तो मैंने ऑलरेडी इसका ड्राइवर डाउनलोड कर लिया है। और डिलीट करने के लिए देखिए डाउनलोड में जाते हैं, डाउनलोड के अंदर ये दिखा रहा है ना HP LaserJet मैंने डाउनलोड कर लिया, अब मैंने इसको रन भी करा दिया है, ठीक है दोस्तों। ये मेरा रन हो गया, इंस्टॉल हो चुका प्रिंटर, इंस्टॉल होने के बाद में इंस्टॉल हो चुका, अभी यहाँ बंद करते हैं। अब आपको वाईफाई कनेक्ट करना है, क्या करना पड़ेगा आपको, IP प्रिंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब IP को मुझे प्रिंट आउट करना है। तो सिंपल तरीके से क्या करना रहेगा, आपको जाना रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिखिए PRINTER, यहाँ PRINTER, आपको मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर में कैसे करना है, आपको लैपटॉप में कैसे करना है। प्रिंटर खोलिए, सेटिंग खोल लीजिए,
ठीक है, ऑटोमेटिक ये प्रिंटर उठा लिया है। अब इस पर क्लिक करते हैं सिंपल तरीके से, यहाँ जाते हैं और हम क्लिक करेंगे मैनेज के ऊपर, और यहाँ पर कुछ सेटिंग करना आपको, मतलब कि अगर मान लीजिए कि आईपी भी ले लिया है ठीक है, वरना यहाँ पर जाके आप प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज में जाके क्लिक कीजिए, और क्लिक करने बाद में देखिए उठा लिया है 192 लोकेशन का दिखा, प्रिंटर का देखिए दिखा रहा है, ये ऑटोमेटिक ले लिया है। इनकेस नहीं लिया है तो आप जाकर यहाँ पोर्ट में जाकर के यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं, WDS कर दीजिए या 192 पे क्लिक करके इसके माध्यम से आप दोनों में किसी भी कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर दिया हूँ, अब सिंपल तरीके से प्रिंट टेस्ट पेज करता हूँ और चेक करता हूँ प्रिंटर काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है। देखिए हमने प्रिंट कर दिया, कोई तार लगा नहीं है, देखिए इस लैपटॉप से कंप्यूटर में कोई तार लगा नहीं है, सिंपल तरीके से DSCP ऑन कर प्रिंटर इंस्टॉल कर दिया, प्रिंटर काम कर रहा है, ये टेस्ट पेज आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास ये वाला प्रिंटर पड़ा हुआ है ना, तो आपके पास राउटर भी अगर है तो इसको लैन पोर्ट से कनेक्ट करिए, राउटर से DSCP ऑन हो जाएगा, और उसके बाद आप मोबाइल पे और इस मोबाइल को जो अपने राउटर से कनेक्ट कर लीजिए, तो ये मोबाइल जो है आपके प्रिंटर को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, आपको कोई इंस्टॉल नहीं करना है। आपके पास 2 मोबाइल हो 3 मोबाइल फोन हो 4 मोबाइल फोन है किसी के अंदर, सिंपल इस मोबाइल को अपने राउटर से कनेक्ट कर लेना है वाईफाई के माध्यम से, पासवर्ड कनेक्ट कर लीजिए, और प्रिंटर का तार इसमें जो ये येलो तार लगा हुआ ये वाला तार ये लगा दीजिए लैपटॉप, एक साइड इसमें राउटर लगा दीजिए और इस लगा दीजिए, ये नेटवर्क प्रिंटर आ चुका है। और घर के किसी कोने, मतलब यही नहीं है कि मैं ही दूंगा, मान लीजिए कि मैं सामने बैठा प्रिंट दिया, अब मैं दूर जाकर प्रिंट देता हूँ ठीक है, अब मान लीजिए देखिए मैं आपके कैमरे व्यू में नहीं रहूंगा, लेकिन देखिए मैं प्रिंट दूंगा तो प्रिंट करेगा, ठीक है कैमरे पास नहीं पड़ा हुआ हूँ, अब देखिए यहाँ से मैं प्रिंट दे रहा हूँ, देखिए अब प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा, मैं दूर से प्रिंट आउट दे रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है आपकी, आप घर के किसी कोने से, मतलब एक रेडियस होता है वहाँ से जाकर के आप प्रिंट आउट दे सकते हैं। देखिए मैंने प्रिंट आउट दिया हुआ है और प्रिंट आउट, हाँ देखिए प्रिंटर देखिए प्रिंट आउट कर रहा है, देख सकते डिस्टेंस में हूँ मैं, मतलब कि घर के किसी कोने में रहकर के आप प्रिंट आउट करना चाहेंगे कर सकते हैं, आपका फोन हो, भाई का फोन हो, बहन का फोन हो, किसी का फोन पड़ा हो, हर जगह से बैठ के आप सिंपल मोबाइल से प्रिंट आउट कर सकते हैं, मेल प्रिंट आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि एक प्रिंटर मेरे पास आया हुआ वायरलेस प्रिंटर है, और कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे इसको लोड करते हैं, इस वीडियो बना के आपको दिखाया जाऊँ, तो शायद मुझे लगता है कि वीडियो कहीं आपके काम आएगा। और आपके पास भी ये मॉडल प्रिंटर है, अगर कोई भी वाईफाई प्रिंटर है तो आप सिंपल तरीके से अपने राउटर से कनेक्ट करके उसको और अपने मोबाइल से आप लैपटॉप से प्रिंट आउट करो। दोस्तों वीडियो पसंद अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए के लिए क्या क्या वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कि बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया के अंदर जो जानना चाहते हैं सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वीडियो उनको फायदा होगा और वीडियो को देखने बाद में वो सीखेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे किसी एक एपिसोड में, किसी टॉपिक साथ में, तब तक लिए आप लोग को